Now we will discuss the constitutional provisions for children's protection from sexual abuse in Pakistan. Our constitution is to safeguard and promote public welfare, which implies the safety, prosperity, health, and happiness of the population of the country. तो चूंकि अवाम के तहफ़ के लिए बहुत सी शिकें होती हैं आइन के अंदर तो बहुत सी शिकें वाकई मौजूद हैं जो इंसानों के हकूक़ के लिए अवाम के हकूक के लिए पॉलिसी बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने की तरगीब देती हैं टू सेव कर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन बाय प्रोटेक्टिंग देयर लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी तो हमारे आइन के अंदर ये शिक मौजूद है कि जो इंडिविजुअल सिटीजन हैं उनको जिंदगी का हक देना है उनको प्रोटेक्ट करना है उनकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करना है उनकी आज़ादी को प्रोटेक्ट करना है उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है तो सो जो बेसिक लॉज हैं फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, फॉर ऑल पब्लिक दे आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कवर मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ यू तो जो यूनाइटेड नेशंस के जिस तरह की पॉलिसीज चाहते हैं कि वो आवाम के लिए बनी हो उनके हकूक़ के तहफ़ के लिए उनकी जायदाद के लिए उनके तमाम तरह के राइट्स के लिए ज़्यादातर पॉलिसीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन मौजूद हैं मिसाल के तौर पर आर्टिकल नाइन डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन जो हमारा आर्टिकल नाइन है वो ये बताता है कि किसी एक शख़्स की हिफाजत या सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है उसको हमारी अदालतें भी सपोर्ट uh, करती हैं उसको हमारे कानून नाफिस करने वाले इदारे भी सपोर्ट करते हैं उसको हमारी कम्युनिटी भी सपोर्ट करती है कि किसी इंसान की जिंदगी को नुकसान पहुंचाना पहुंचाने का हक कोई नहीं रखता देन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द लेजिस्लेचर टू इनैक्ट लॉज दैट आर नैसे पर्टिकुलरली वमन एंड चिल्ड्रेन और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉलिसीज़ भी मौजूद हैं कि किस तरह से हमने औरतों और बच्चों के हकूक का तहफ़ करना है यानी पब्लिक के हकूक को अहम समझा गया उस पर पॉलिसीज भी बनी हुई हैं अब ज़रूरत सिर्फ ये है कि इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए हमारा आर्टिकल ट्वेंटी फाइव क्लियरली प्रोवाइड्स इक्वल जस्टिस और इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस टू सिटीजन स्टेट तो यानी जितने भी शहरी हैं पाकिस्तान के उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए और बराबर के हकूक़ मिलना चाहिए ये बच्चे ये औरतें ये लोग ख़्वा दूर दराज इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं किसी भी मज़हब से किसी भी ज़ात से किसी भी क्लास से ताल्लुक रखते हैं सब के बराबर के हकूक़ हैं सेफ्टी के मामले में देन दिस आर्टिकल हैज थ्री क्लाजेज और इसमें जिस जो क्लास थ्री है इट्स स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट वेमेन एंड चिल्ड्रेन तो इसने वजाहत कर दी है कि खुत और बच्चों के हकूक़ की पासदारी की जानी चाहिए जैसे मैंने अर्ज़ किया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कवानीन मौजूद हैं जो शख़्सी आज़ादी के भी हैं शख्सी तहफ़ से भी रिलेटेड हैं औरतों के लिए भी हैं बच्चों के लिए भी हैं लेकिन इनको इनकी लाटरन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों का मिलकर करना ख़ास तौर पर तालीमी इदारों का इसके अंदर बड़ा किरदार अदा करना और वाले का अपनी जिम्मेदारियों को समझना ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं अगर हमें अपनी आइन की पासदारी करनी है और अगर हमें अपने जो सोशल और कल्चरल और रिलीजस वैल्यूज़ हैं उन सब की पासदारी करना है तो हमें कदम कदम पर बच्चों की हिफाजत के लिए मोहतात रहना होगा और अपने फरज़ अदा करने होंगे